हेलो फ्रेंड्स, राकेश तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज विनकुलम, विनकुलम क्या है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि विनकुलम क्या है और विनकुलम का यूज कहां कहां होता है, विनकुलम वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। पहला, विनकुलम क्या है। विनकुलम दोस्तों कुछ नहीं, विनकुलम एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो किसी भी एक्सप्रेशन नंबर के ऊपर या नीचे रहता है, इसको हम बार भी बोलते हैं। तो अगर किसी नंबर के ऊपर या एक्सप्रेशन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वह बार है। कभी कभी बहुत रेयर केसेज में एक्सप्रेशन के या नंबर के नीचे भी रहता है तो उसको भी आप कंफ्यूज मत होइए, उसको भी बार ही बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस वहां भी अप्लाई होता है। दोस्तों सपोज कीजिए कि एक थ्री है, इसके ऊपर बार है तो ये थ्री बार। कभी कभी आपको मिल जाएगा इसी थ्री के ऊपर नीचे लाइन रहेगा, बहुत रेयर केसेज में, जैसा मैं कि आपको मैंने बोला है कि बहुत रेयर केसेज में ऐसा आता है, लेकिन उस स्थिति में भी इसको हम थ्री अंडर बार ही बोलेंगे और इसको सेम जो बाकी एक्सप्रेशन के लिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे सेम वही फॉर इसमें एप्लीकेशन अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि विनकुलम के साथ जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है 27 माइनस अंडर ब्रैकेट अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 38 अंडर ब्रैकेट माइनस अंडर कर्ली ब्रैकेट 46 माइनस अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 15 माइनस 13 माइनस 2 ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों बोर्ड मास रूल से ही, बोर्ड मास रूल से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन बोर्ड मास रूल में पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहां पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि बोर्ड मास रूल क्या है और उसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन भी दिए हैं और एग्जांपल देके मैंने बहुत अच्छे तरह समझाया है कि बोर्ड मास रूल को अप्लाई करते हुए कैसे किसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो आप मेरे वीडियो पर जरूर जाइए, मैं आई बटन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके थ्रू मेरा पहला वीडियो जो बोर्ड मास पे है उसको जरूर देखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे बोर्ड मास रूल में पहले हम लोग देखे हैं कि इस ब्रैकेट होता है, तो अभी हम शुरू करते हैं 27 माइनस ब्रैकेट को पहले करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले किसको करेंगे, ओपन ब्रैकेट को। तो स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहेगा माइनस कर्ली ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 46 माइनस, यहां पे देखिए दोस्तों इस एक्सप्रेशन के ऊपर बार है, कौन से एक्सप्रेशन के ऊपर, 13 माइनस 2 इसके ऊपर बार है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। नॉर्मली चांसेज ऑफ एरर यही होते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं। क्या करते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है 15 माइनस 13 माइनस 2 बार, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सीधे बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये आपका रॉन्ग आंसर है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आप कभी भी किसी एक्सप्रेशन के ऊपर बार होता है दोस्तों तो वो एक ग्रुप के अंदर माना जाता है। तो यहां पे 13 माइनस 2 के ऊपर बार है तो ये एक ग्रुप है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए 15 माइनस, यहां एक समझने के लिए एक और ब्रैकेट कर लीजिए क्योंकि बार 13 माइनस 2 के ऊपर है, इसके माइनस का कुछ नहीं रहता है, यहां पे माइनस और माइनस हो या प्लस हो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे जिसके ऊपर, जिस एक्सप्रेशन के ऊपर बार है। तो क्या है 13 माइनस 2 दिस ओपन ब्रैकेट क्लोज दिस ओपन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, 27 माइनस 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 46 माइनस 15 माइनस 11 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां पे जैसे बताया था जो गलती करते हैं, मैंने आपको पहले एग्जांपल देकर बताया था, यहां क्या हो जाएगा मेरा 13 माइनस 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 माइनस 38 माइनस 46
माइनस 15 में 15 माइनस 11 4, करली ब्रैकेट क्लोज, क्यों? क्योंकि ओपन ब्रैकेट ऑलरेडी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, 27 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 38 माइनस 42, 46 माइनस 4 42 इज इक्वल टू 27 माइनस 38 माइनस 42 माइनस 4 इज इक्वल टू 27 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 इज इक्वल टू 31 आपका आंसर हुआ। यह अपने आपको एग्जांपल देके मैंने बताया कि जब किसी एक्सप्रेशन के ऊपर किसी नंबर के ऊपर बार हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कभी कभी दोस्तों फ्रैक्शन में या डिसिमल में भी बार का यूज होता है, वो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि जब डिसिमल के बाद अगर बार है तो उसका क्या मतलब होता है। सपोज कीजिए दोस्तों हम एक नंबर लेते हैं 3.95, इस 3.95 के ऊपर बार है, पॉइंट के ऊपर 95 के ऊपर बार है। अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार होगा इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3.95 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.95 अप टू इन्फिनिटी अनंत तक। तो जब बार हमारे इस पॉइंट के ऊपर है, डेसिमल में है, तो हम इसको ये समझेंगे और इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे अभी आगे के वीडियो में और आएगा। एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों कि कभी कभी डेसिमल के बाद एक नंबर पे बार रहता है, एक नंबर पे बार नहीं रहता, उसका क्या मतलब हुआ। सपोज कीजिए दोस्तों कि अगला जो क्वेश्चन है जो हमने यहां पर 3.95 लिया था 95 के ऊपर बार, तो ये क्वेश्चन है 3.95 यहां 5 के ऊपर बार। देखिए पॉइंट के बाद 9 पे बार नहीं है, 5 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करेंगे। इसका मतलब हुआ 3.9 तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहां पे इसके ऊपर बार नहीं है, रिपीट क्या हो रहा है, बार है तो 5 5 5 5। ये आगे आपको बहुत काम में आएगा, इसको अभी यहां समझ लीजिए कि इसका इसका अगर बार है तो उसका रिपीटेशन बार बार अप टू इन्फिनिटी तक उसको रिपीट होगा। आगे मैं एक और बताता हूं दोस्तों, अगर पॉइंट के पहले बार है, सपोज कीजिए कि ये 3.95 इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद बार है तो उसका वो बार बार रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर यही बार पॉइंट के पहले है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों -3.95। इसका मतलब कि 3 को अगर हमने बार दे दिया तो वो माइनस हो गया। जैसे एग्जांपल लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4.45 बार, इसका मतलब क्या हुआ, -4.45। मुझे उम्मीद है आप लोग यहां तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर बार है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको विनकुलम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कॉमेंट्स में आप अपना कॉमेंट डालिए जैसा आपने फील किया है, और मेरा पहला जो वीडियो है बोर्ड बास रूल पे जिसका आई बटन दिया हुआ है उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।